तो भाई लोग, क्या हाल चाल है तुम्हारे? आई होप तुम लोग सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे BGMI के 3.4 अपडेट के बारे में। तो जैसे कि तुम लोग सभी को पता है कि BGMI का 3.4 अपडेट नेक्स्ट मंथ आने वाला है, जो कि है अक्टूबर में। अभी तक डेट पता नहीं चला BGMI में कब आएगा, बट जैसे ही पता चलता है मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा। तो कुछ फीचर बेटा वर्जन में ऐड हुआ है BGMI का, जो तुम लोगों को दिखाऊंगा मैं। सबसे पहले तो ये देखो, अल्टीमेट रॉयल नाम से एक फीचर ऐड हुआ है, जिसको जो बंदे कॉन्करर करके भाई सोचते थे कि भाई गेम छोड़ देते हैं, अब उन लोगों के लिए भाई सबसे बड़ा फीचर है ये। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, कॉन्करर रैंकिंग में कॉन्करर के बाद अल्टीमेट रॉयल खेल के हम लोग और आगे बढ़ सकते हैं। और किसको कैसे खेलना है मैं देख लो, यहाँ पे रैंक में जाओगे, यहाँ पे देखो एक क्लासिक मोड और अल्टीमेट रॉयल नाम से एक नया मोड आया है, जिसमें सिर्फ लिविक इरेंगल और मीरामार है, ठीक है। तो बस जो कॉम्पी प्लेयर्स है वो लोग यहाँ पे अब कॉम्पी मैचेस खेल सकते हैं अपने मनपसंद। और इसमें देखो बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हो, तुमको बहुत गिफ्ट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे सीजन साइकिल ऐसा नाम से कुछ है, जहाँ की कॉन्करर के बाद तुमको वैनगार्ड, ये सब बहुत सारा मास्टर एस, ये सब भी तुम लोग कंप्लीट कर सकते हो। तो ये सब के लिए कोई बड़ा बात नहीं है। अगर जो लोग कॉन्करर कर लेते हैं भाई, जो गेम छोड़ देते हैं, बोर हो जाते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट है पिछले वाला था, जो कॉम्पी प्लेयर्स है उनके लिए। अब ये वाला है इससे भी बेस्ट, ठीक है। यहाँ पे देख लो लेजेंड्स, एक्सीड्स, फाइव सुप्रीम, बहुत सब है यहाँ पे, फियरलेस, पीएलएस, पता नहीं क्या क्या नाम है। ये सब गिफ्ट्स मिलेगा, तुम लोग देख लो सीजन एंड में, तुम लोग देख ही सकते हो। बहुत तगड़ा, उतना तो तगड़ा नहीं है कॉन्करर मिल जाता है, लेकिन ठीक है भाई, नॉर्मली अच्छा लगा मेरे को। तो इसके बाद इसमें इसको कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे मिशंस भी है, देखो मैं यहाँ पे तुम लोग को दिखा देता हूँ। और यहाँ पे इन सब मिशंस को कंप्लीट करो और तुम लोग को ये धीरे धीरे तुम लोग का बढ़ते रहेगा। और ये सब नॉर्मल मिशंस है। इसके बाद मैं तुम लोग को ले सकता हूँ क्लासिक सीजन में। क्लासिक सीजन में अभी ज़्यादा कुछ ऐड हुआ नहीं है, बट जितना भी ऐड हुआ है अभी कॉन्करर के बाद तुमको एक और दिखाई देगा, जो है मास्टर कॉन्करर ऐसा नाम से कुछ है एक, मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ। बट तुम लोग को मैंने शायद तभी दिखा दिया था, लेकिन पहले यहाँ से ये गिफ्ट कलेक्ट कर लेते हैं, मैं फिर दिखाता हूँ तुम लोग को। ये देखो यहाँ पे मल्टी एस नाम से एक ऐड हुआ है कॉन्करर के बाद। जो बंदे कॉन्करर के बाद थक जाते हैं, उनको और भी ऊपर जाना है, उन लोगों के लिए ये बेस्ट है कि तुम लोग को मल्टी एस तुम लोग जा सकते हो और अपना पोजिशन और ग्राइंड करके अपना तगड़ा बन सकते हो, ठीक है, उन लोगों के लिए मल्टी एस। देखो मल्टी एस में ज़्यादा कुछ तो मिलने वाला नहीं है, सिर्फ तुमको यही दो चीज़ मिलेगा, एक फ्रेम है और एक ये नेम टैग, बस यही दो चीज़ मिलेगा, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं मिलेगा। तो देखो अब तुम लोग के ऊपर है भाई, कौन करेगा, तुम लोग थक जाते हो तुम लोग जा सकते हो, अगर नहीं जाना है तो भाई मत जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, गेम मज़े के लिए खेलो भाई। अब तुम लोगों को मैं दिखाता हूँ कि इवेंट शॉप ये समय तो कुछ ऐड नहीं हुआ है, और कुछ ड्रेसेस वेसेस भी देख लेते हैं। कुछ ड्रेसेस वेसेस भी आई डोंट थिंक सो कुछ ऐड हुआ है अभी तक, जैसे ही ऐड होता है मैं तुम लोगों को दिखा दूंगा, या शॉर्ट वीडियो बना के या कोई कम्युनिटी पोस्ट में डाल के मैं दिखा दूंगा। और अपडेटेड रहने के लिए अभी जाओ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे तुम लोग को ऐसा कॉन्टेंट आता जाता रहेगा। और तुम लोग को मेरा शॉर्ट्स या क्लचेस पसंद आता तो उसको भी सपोर्ट करो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट से जाओ इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर दो तुम्हारे भाई को। तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं वैसे इतना कुछ, सब कमिंग सून है। अब तुमको मैं गेम के अंदर ले जाता हूँ क्या क्या चेंजेस हुए। सबसे पहले तो देखो भाई, ये बहुत तगड़ा लग रहा है देखने में, और इसमें देखो अंदर कलर्स वलर्स ये सब अभी तक आया है, और अभी ये फुल अपडेटेड नहीं है, अभी इसमें और भी चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो ये मत सोचो कि यही आखिरी है, यहाँ पे कवर ओवर बना हुआ है भाई, एकदम डार्क थीम का बना हुआ है, एकदम तगड़ा ओपी लग रहा है भाई। अगर मैं तुम अल्ट्रा में देख के खेलोगे ना भाई, ओपी लगेगा तुमको। मैं अभी इस वक्त अल्ट्रा में खेल रहा हूँ, और तुम लोगों को पता है कि रिसेंटली तुम्हारा भाई अल्ट्रा में स्विच करके खेलता है। तो यहाँ पे देखो एनिमेशन नॉर्मल सा वही पुराना है, और यहाँ पे दो मेन इवेंट ऐड हो चुके हैं गाइस, ठीक है, दो मेन इवेंट ऐड हो चुके हैं। और पहले सबसे पहले तो हम लोग उतरते हैं इस मेन इवेंट में और देखो इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। सबसे पहले इसका लाइटनिंग अभी भी सही हुआ नहीं है, देख सकते हो, जैसे मैं थोड़ा आगे जाऊंगा ये अंधेरा हो जाएगा, थोड़ा अंदर जाऊंगा तो फिर लाइट आने लगेगा, थोड़ा अंदर जाऊंगा तो लाइट आने लगेगा, थोड़ा ऊपर जाऊंगा तो अंधेरा हो जाएगा। तो वो फिक्स हो जाएगा आई थिंक, नेक्स्ट अपडेट इसका आखिरी अपडेट है, उसके बाद वो बेटा ओरिजिनल बेटा में आ जाएगा। ओरिजिनल बेटा क्या है, मतलब ओरिजिनल में आ जाएगा, उसके बाद मतलब इसका नेक्स्ट वाला अपडेट ही आखिरी अपडेट है, आखिरी ये लोग जो चेंजेस करना है ये लोग नेक्स्ट में करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ एक खूबसूरत सा झरना बना हुआ है तुम्हारे भाई, अब देखो सामने तुम्हारा ये बना हुआ है, ये जो भी है क्या बोलते हैं ड्रैकुला टाइप थीम में बनाया गया है, बहुत तगड़ा लग रहा है, ओपी लग रहा है मेरे को। तो
अब देखो यहाँ पे ये चेस्ट है जो कि थोड़ी देर में खुलेगा, अगर तुम लोग देख सकते हो तो। अभी तक ये 3 मिनट का जैसे रहता है वही खुलेगा, यहाँ पे टाइमर नहीं दिखेगा क्योंकि अभी तक टाइमर ऐड हुआ नहीं है, ठीक है। हाँ देखो लाइटिंग का थोड़ा इशू है, तुम लोग देख सकते हो थोड़ा डार्क हो रहा है। ये सब जो देख रहे हो ना ये सब में आग जल जाएगा, ये सब कैंडल्स है सब में आग रहेगा, ये सब अभी तो कुछ जला नहीं है, ये धीरे धीरे चेंज होगा। यहाँ पे एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल है जो कि बार रूम टाइप लग रहा है, यहाँ पे देख रहे हो बार रूम बार रहेगा, और यहाँ पे टेबल है जहाँ पे तुम अपना डिनर विनर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं तुम लोगों को चढ़ के दिखा देता हूँ कैसा है, जिससे तुम लोगों को देख सब पता चले, FVP में करके भी मैं दिखा देता हूँ। अब चलो आगे चलते हैं, आगे क्या है वो भी देखते हैं। यहाँ पे देखो एक स्टैचू है जो कि थोड़ा डरावना लग रहा है, लेकिन भाई कौन डरेगा, बच्चे बच्चे डरेंगे बस इन स्टैचूओं से। यहाँ पे देखो एक सीट है, ये सीट में अगर मैं बता देता हूँ तुम लोगों को, मैं बाद में दिखाऊंगा इससे क्या होता है, ठीक है। वीडियो बने रहो तब तुमको पता चल जाएगा। अब अभी तो मैं इसमें बताऊंगा नहीं तुम लोगों को, ये जस्ट तुम लोग देख लो, इसका लुक बहुत तगड़ा लुक लग रहा है, मतलब देख के लग रहा है भाई तगड़ा कुछ अच्छा ये लोग ला रहे हैं। इसके अंदर देखो एक मस्त चीज है, अगर तुम लोग को रश से बचना है तुम लोग इसके अंदर जाके छिप जाओ, बंदे तुमको ढूंढ ही नहीं पाएंगे, कदाई बंदे गोली दुन 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 गोली मारते रहेंगे, बट बंदे तुमको ढूंढ पाएंगे ही नहीं कि तुम कहाँ हो, ठीक है। ये दिखा दिया मैं तुमको, अब यहाँ से तुम निकल गए, इसको निकलोगे तो तोड़ के निकलोगे तो तब वो टूट जाएगा गेट, पहले बता देता हूँ मैं। अब यहाँ पे एक चेस्ट मिलता है, जो चेस्ट में यहाँ पे ओपन करता हूँ, बट यहाँ पे ओपन नहीं होता है क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम है, अब इसको मेरे को पता नहीं रहा कैसे ओपन करना है, यहाँ पे कुछ दिख भी नहीं रहा है, तो इसको बाद में हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसको पहले कैंसिल कर देते हैं, ऊपर से कैंसिल करके इसको बाद में देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब जैसे कि 3 मिनट या 1 मिनट हो जाता है उसके बाद ये चेस्ट खुलता है, और इससे तुमको लेवल 3 का सब चीज़ मिलता है एकदम। और देखो रिस्पॉन कार्ड इसका चेंज कर दिया, इस बार रेड थीम में कर दिया है, पिछली बार ब्लू था इस बार रेड थीम हो गया है, तो ये बहुत ही तगड़ा लग रहा है। अब देखो यहाँ पे भी एक छोटा सा रूम है जहाँ पे तुमको पता नहीं कुछ यहाँ पे रहेगा, चिकन विकन कुछ बनेगा पता नहीं, आई डोंट नो, अगले अपडेट में बताया देखा जाएगा क्या बनता है इसमें, तो अभी तो कुछ नहीं बना है। अब यहाँ पे फटाक से उतरते हैं, और यहाँ पे कुछ तो है भाई, ये स्टैचू मेरे को दिखा। अब ये अगर तुम लोग यहाँ पे उतरते हो, तुम्हारे पास गन नहीं है, तो यहाँ इस स्टैचू से तुमको लेवल 3 का लूट आराम से, मतलब तुम्हारी टीम के लिए आराम से यहाँ पे लेवल 3 का लूट मिल जाएगा। पहले तो देखो यहाँ पे बहुत सारे चेस्ट है छोटे छोटे, इन चेस्ट को लो लूटो और तुमको आराम से लेवल 3 का लूट मिल जाएगा, और खुश रहो, तुम्हारी पूरी स्क्वाड खुश रहेगी, चिकन निकालो आराम से, गेम को एंजॉय करो, ठीक है। अगर कॉम्पी खेलते हो तो भाई ये सब तो तुम खेलोगे नहीं, ये सब मोड भाई वहाँ पे तुम्हारे लिए नया मोड आ चुका है, वो मोड खेलो। और ये देखो ये छोटा सा बिल्ला जैसा है, पता नहीं क्या है इसके अंदर, ये इसको मार के तुम लोग इसको लूट सकते हो, और ये बड़ी फनी चीज़ लगा मेरे को, बहुत ही अच्छा लगा ये भाई कुछ तो कर रहे है। और अब देखो ये चेस्ट को कैसे खोलते, इसको जैसे खोलते इसके ना चारों ओर बिखर जाएंगे ये कॉइन्स। अब ये कॉइन्स सबको हम देखो कॉइन्स या जो भी क्रिस्टल्स है, इस क्रिस्टल्स को हमें फोड़ना है, ठीक है। इस क्रिस्टल को फोड़ के हमें ये लूट कैसे खुलता है मैं दिख जाएगा मैं सारा खोल फोड़ चुका हूँ। अब जाते हैं इसको लूट को लूटते हैं, ठीक है, और इससे बहुत ओपी लूट मिलता है हमें। ये देखो ये हाथ से ऐसे उठा के नीचे रखता है, अब इसको ओपन करते हैं। और भाई आज इसमें मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ तुम लोगों को कि कैसे वहाँ जाके वो करना है, बॉस को मारना है, क्योंकि बॉस में कुछ अपडेट अभी ग्लिच चल रहा है, तुम लोग को मैं दिखाऊंगा, रुको, कुछ ग्लिचेस है जो अभी तक फिक्स नहीं ठीक हुआ है। और देखो यहाँ पे चमगादड़ के हाथ में एक लाल गोला फेंक दिया, जो लाल गोला बहुत ही पावरफुल है, आई थिंक ये ठीक होगा, और इसका थोड़ा कुछ ग्लिचेस आ रहे हैं इसमें, ये लोग आई थिंक ठीक कर देंगे नेक्स्ट अपडेट तक, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा जाते हैं ये वाले में, ये नीला वाला वुल्फ वाला, इसका भी अभी तक फीचर आया नहीं है, जब आएगा तब मैं इसको भी दिखा दूंगा लास्ट वाले में। और इसमें वुल्फ का कलर का बहुत ही अच्छा ट्री लग रहा है, और इसमें हम लोग को वुल्फ कलेक्ट करना है, अभी मैं दिखाता हूँ कैसे। ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ, तुमको बहुत सारा वुल्फ मिलेगा, इन सबको रेस्क्यू कराना है तुम्हारे भाई को, ऐसे ही आके बैठ जाएगा, इसको रेस्क्यू कराओगे तो यहाँ से तुमको लूट मिल जाएगा तगड़ा, वो देखो तगड़ा लूट मिला है, तो इसको फटाफट से लूट कलेक्ट कर लो। तो भाई तुम्हारा भाई यहाँ से ये ले लेता है और यहाँ पे पूरा घूमता है। अब देखो मैं यहाँ पे इसको प्लेस करने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन इसमें पता नहीं क्या कोई ग्लिच है, इसमें लग ही नहीं रहा है, फेल टू प्लेस बोले जा रहा है। अब आई डोंट नो ये
अभी तक इसका फिक्स हुआ नहीं है या अभी तक आया नहीं है, बट इसमें ग्लिच हुए जा रहा है, तो इसको साइड में रखते हैं। मैं बहुत बार ट्राई करता हूँ, तुम लोगों को लग रहा होगा कि नहीं यहाँ पे फेल हो रहा है, तो भाई ऐसा बात नहीं है, यहाँ पे मैं बहुत बार ट्राई करता हूँ इस ग्लिच को, बट ये फिक्स होता ही नहीं है। तो इससे इसके बाद मैं चलता हूँ फिर से एक और बार, तुम्हारा भाई ट्राई करता है, बट जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ये पता नहीं क्या इसका एक ग्लिच है। अब देखो वुल्फ का, वुल्फ में बहुत सारे ग्लिचेस है अभी जो कि अभी तक हुआ नहीं है सही से, ठीक है। अभी देखो कैसे अटक अटक के चल रहा है, अजीब सा लग रहा है। तो ये आई थिंक भाई क्या बोले जा रहा हूँ मैं, आई थिंक ये आए वाले अपडेट में ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो तुम्हारा भाई उड़ता है वगैरह, बहुत अजीब लगता है चलाने में, तो इसलिए मैं छोड़ देता हूँ उसको, चला दे नहीं हूँ मैं, बोला भाई भाड़ में जा मैं नहीं चला रहा। अब देखो यहाँ पे जैसे कि घोड़ा मैंने ले लिया, मतलब इस अपडेट में घोड़ा मिलेगा जिसमें तुम दो बंदो, तुम और तुम्हारी माशूबा है अगर, तो तुम दोनों घोड़े में बैठ के घुड़सवारी कर सकते हो। लेकिन भाई तुम अगर मेरे जैसे सिंगल बंदे हो तो इसी घोड़े में बैठ के चलो। तो इस घोड़े में चलते 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 घोड़े के कुछ फीचर्स मेरे को पता चला है कि तुम घोड़े को अगर 1000 बार मारोगे तो घोड़ा मरेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा घोड़ा है, समझ रहे हो। घोड़े को मैंने चवन पिला दिया। अब देखो इसमें तुम लोग को ये एक जगह मिलेगा, यहाँ से तुम लोग को बहुत सारे क्रिस्टल मिल सकते हैं, बट अभी क्रिस्टल्स आ नहीं रहे बिकॉज कुछ ना कुछ ये लोग कर रहे हैं अपडेट, इसीलिए सबसे पहले ये मेरा गलती से हो जाता है। अब मैं तुम गलती से नहीं होता है, मैं जानबूझ के करता हूँ जिससे मैं तुम लोग को इसका डैमेज दिखा पाऊँ। बट भाई ये बंदे को जितना देर तक लगेगा ना ग्लिच हो रहा है जो, तब तक बंदा मेरे को मार के चला जाएगा सारा लूट लेके। उससे बढ़िया कि मैं बात दिखा दूँ, उससे पहले मैं तुम लोग को ये घोड़े वाला चीज़ दिखाता हूँ। ये घोड़े को मैं 1000, 100, 2000, 3000 गोली मार दूँ, लेकिन ये घोड़े को मरेगा नहीं। अब इसके बाद मेरे तुम्हारे भाई को घोड़े का एक और सिस्टम पता चला है कि अगर तुम दूर हो और तुमको चलने की ज़रूरत है, मतलब तुमको कोई चाहिए, तो यहाँ पे देखो तुम लोग यहाँ जहाँ पे मोली वाला फेंक रहे, मोली वाला आइकन है, ग्रेनेड वाला आइकन है ना, वहाँ पे दबाओगे तो घोड़ा तुम्हारे पास आ जाएगा। अभी देखो मैं अभी दबाता हूँ। अब देखो घोड़ा कैसे दौड़ के आ रहा है तुम्हारे भाई के पास, ये तुम्हारे भाई का पालतू घोड़ा बढ़ गया है। अब इसको तुम फीड करा के चलो उड़ो, बट ये अभी कोई ग्लिच है, बट आगे चल के ये ठीक हो जाएगा। मेरे को पता है इसको मारने पे मर जाएगा ये बंदा, क्योंकि ऐसा अनलिमिटेड हेल्थ हो फिर तो ख़त्म ही है सीन। तो ये एक बढ़िया चीज़ है कि तुम इसको बुला सकते हो। अब जैसे कि ये 3 मिनट 4 मिनट 3 मिनट 2 मिनट 1 मिनट में खुलने वाला है 1 सेकंड में, तो अब इससे तुम्हें क्रिस्टल मिलेगा, बट अभी क्रिस्टल मिल नहीं रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। अगर अब मिलता तो मैं तुम लोग को दिखा देता, बट देख लो तुम्हारे आंखों के सामने यहाँ पे क्रिस्टल है ही नहीं, मैंने बोर्ड ढूंढा। बस इतना ही सब कुछ था, तुम लोग देख लो ये होगे, और मेरे से पहले भी बहुत सारे क्रिएटर ने ये वीडियो डाल दिया होगा। तुम्हारा भाई थोड़ा लेट है, बट कोई ना यार, तुम्हारा भाई का चैनल है थोड़ा लेट तो होगा ही, तुम्हारा भाई स्ट्रीम पे भी लेट होता है, और जितने बंदे मेरे स्ट्रीम पे आते हैं भाई स्ट्रीम पे आया करो यार, थोड़ा मजे लिया करो। अब यहाँ पे देखो एक पहले इस इवेंट में एक डांस ये ऐड हुआ है, जैसे तुम इसको खरीदोगे कितने पता नहीं कितने का है, ऐसे डांस करते रहेगा तुम्हारा बंदा, ये पता नहीं क्या सोच के कर रहा है। ये देखो ऐसे और ढिंचुक 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 ढुश डुम 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 डुम, तो पता नहीं ये किस लिए इन लोगों ने ऐड किया भाई, बड़े हरामी है भाई, नचवाना चाहते हैं हमें, बड़े गंदे हैं ये। अब ये देखो तुम्हारा भाई इसको यहाँ पे भी ऑन करता है, बट एज एन ओनली फेल। अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसा है, इसको तुम ऐसे ओपन करोगे तो तुम सीधा महल के अंदर घुस जाओगे, ये एक हो सकता है तुम्हारा टेलीपोर्ट, समझ रहे हो। अगर तुम्हारे पीछे 4 बंदे पड़े तो तुम इसको लगा के आ जाओ, वो टेलीपोर्ट हो जाओगे तुम। बस इतना ही है यहाँ पे, और कुछ दिखाने को तो मेरे पास है नहीं, सब तो तुम लोगों ने देख लिया है। अब ये देखो ये अगर तुम्हारा बंदा जोन के बाहर है या कहीं है और तुम उसको चाहते हो कि उसको अर्जेंट नीड है, तो तुम उसको दबाओगे तो तुम्हारा बंदा यहाँ पे स्पॉन हो जाएगा, चाहे वो जोन के कहीं भी हो। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो वीडियो को।